बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बेबी कैरी लैस, जो कि हमने घर में ही तैयार किया है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और बहुत कम प्राइस में। जी हाँ, सिर्फ 200 रुपीज़ में। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 200 रुपीज़ में हम कैरी लैस घर में तैयार कर सकते हैं। जबकि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या ब्रांडेड किसी शॉप से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें कैरी लैस मिलता है। हम इसको घर में ही बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे कि आप घर में किस तरीके से बहुत कम प्राइस में रेडी कर सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलें हम कैरी लैस आपको बनाना बताते हैं, इसकी कटिंग बताते हैं आपको। ये कैरीनेस जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने अपने बेबी के लिए बनाया था, जो कि मेरा बेबी यूज़ कर चुका है ऑलरेडी। माशाल्लाह से वो अब 7 मंथ में है और वो अच्छे से ये कैरीनेस बहुत अच्छे से यूज़ कर चुका है, जो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल भी रहा है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। जब न्यू बॉर्न बेबी आता है तो सब उसको, ख़ानदान के सभी लोग उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और देखने के लिए आते हैं, मुँह दिखाइयाँ देने आते हैं। तो वो कैरीनेस में अच्छे से कपड़े पहने हुआ बेबी जब लेटा हुआ होता है तो वो बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। प्लस घर में तैयार किया जाए तो उसमें आपकी ही तारीफ भी बहुत होती है। ये मैंने कैरीनेस के लिए कपड़ा लिया है, ये आप किसी भी तरीके का, ये मैंने कट प्राइस की शॉप में से बहुत चीप रेट में लिया है। इसी तरीके से आप भी किसी भी कट प्राइस की शॉप में से ले सकते हैं, बहुत आराम से रीज़नेबल प्राइस में आपको कोई भी कट पीस मिल जाएगा। ये मेरा पीस जो है, ये मैंने ओनली 50 रुपीज़ का लिया है। ये पीस मज़ीद मेरे पास और भी है, जिससे हम और डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये पीस मैंने निकाला है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये बना रहे हैं जो कि हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए। इसकी लेंथ मैंने ली है 30 इंच और इसकी जो विड्थ है ये 4 फोल्ड में है। इसकी विड्थ है 10.5 इंच। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 इंच की यहाँ मार्किंग करते हैं और 1 इंच की मार्किंग के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप ले लेंगे। 1 इंच की मार्किंग और यहाँ जो किनारा है इससे तकरीबन हमारा जो राउंड शेप है वो 3.5 आ रहा है। ठीक है, बस ये राउंड शेप। ये राउंड शेप का एक निशान मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो हमारा एंड वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ से ये जो फोल्ड वाला, जो यहाँ 4 फोल्ड है, यहाँ 2 साइड ओपन है, जो साइड 4 फोल्ड कोई भी साइड ओपन नहीं है। हम यहाँ से लेंगे तकरीबन 5 इंचेस, 5 इंचेस पे निशान लगाएंगे हम। और यहाँ पे भी 5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक स्क्वायर बनाया है हमने। अब ये जो स्क्वायर है इसको भी हम थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ गोलाई दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कटिंग के टाइम पर भी इसको थोड़ा सा सर्कल शेप दे दूँगी। अब हम इसको कटिंग करते हैं। मैं इस तरीके से कपड़ा रखूँगी तो मेरे लिए ईजी रहेगा कटिंग करने में। इस तरीके से राउंड हो गया है। अब यहाँ जो नीचे वाला साइड है इसका हम एक स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर कटिंग करेंगे और चाहें तो आप इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे गुलाई भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ गुलाई पे, गुलाई किस तरीके से करनी है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। ये जो हिस्सा है आप चाहें तो इसको थोड़ा सा राउंड दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ये
ये शेप आपकी आएगी। ठीक है, अब हम इसका आपको स्टिचिंग का भी तरीका बताएंगे। ये कटिंग हो चुका है हमारे पास, ये इस तरीके से मैं आपको अभी बता देती हूँ, फिर स्टिचिंग करके तो हम आपको लाजमी ही दिखाएंगे। ये इस तरीके से होके यूँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक अदद कॉटन, पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे पॉलिस्टर कॉटन यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें हम एक फॉर्म यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पॉलिस्टर कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फॉर्म बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो मेरे पास एक फॉर्म है जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगा। इस तरह का फॉर्म आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा, जहाँ पे पिलोज़ मिलते हैं वहाँ पे से आप आराम से ये फॉर्म ले सकते हैं, और ये भी बहुत चीप रेट पर मिल जाएगा आपको, इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। ये मैंने 50 रुपीज़ का पीस बाय करा है, और इसी तरीके से मैंने 50 रुपीज़ का फॉर्म लिया है, तो ये हो सकता है आपको 50 रुपीज़ से भी कम मिल जाए, या 50 रुपीज़ से थोड़ा सा 10-20 रुपये का मार्जिन भी मिल जाए, मगर ये आपको इंशाल्लाह बहुत कम रेट में मिल जाएगा। और ये बहुत ईजी है, जब आपका ये बन जाएगा तो आपको इंतहाई खूबसूरत भी लगेगा, और जब अपने हाथ से बनाया मेहनत की सब तारीफ करेंगे तो और दिल खुश हो जाएगा। चलें अब हम आपको इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग बताते हैं। चलें हम आपको कैरी नेस्ट की स्टिचिंग बता देते हैं। सॉरी, अब जो इसका किनारा है हम यहाँ से यहाँ पूरी जगह पर स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, इस मिड पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे और यहीं जो दूसरा वाला पॉइंट है यहीं आके रोकेंगे, फिर हम आपको बताते हैं हम और मज़ीद किस तरह से स्टिच करेंगे। चलिए अब हम आपको स्टिच करके इसको बताते हैं। अब ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, इधर हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ के मिड पॉइंट से यहाँ के मिड पॉइंट तक पूरा राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये कॉटन की एक पाइपिंग ली है, जो कि मैं इधर नेफे के तौर पे, जैसे कि हम सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ कि नेफे के तौर पे यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें हम डोरी डालेंगे और फिर जब हम इसको खींचेंगे तो वो हमारा राउंड अच्छा सा आ जाएगा। ये हम इस तरीके से स्टिच करेंगे, मैं आपको और वाजह तौर पर दिखा देती हूँ कि ये जहाँ पर हमने स्टिच लगाया है इसी के ऊपर सेंटर में हम यहाँ रखेंगे, यहाँ एक स्टिच लगाएंगे और एक यहाँ, और आप चाहें तो इसी के साथ एक लेस अटैच कर सकते हैं। चूँकि ये बॉयज़ के लिए है तो इसलिए मैंने इस पर लेस अटैच करना ज़रूरी नहीं समझा, अगर ये बेबी गर्ल के लिए होता तो लाजमी हम इसके ऊपर कोई ना कोई खूबसूरत सी बेल लाजमी लगाते। अच्छा, अब आप इसी तरीके से यहाँ पे पाइपिंग लगाते जाएंगे और यहाँ पे एक लेस भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसको सिर्फ सिंपल बनाऊँगी, और इसकी डेकोरेशन के लिए मैं अपने ही इसी कपड़े से और मज़ीद बनाकर आपको भी दिखा दूँ जब हम डोरी लगाएंगे तो डोरी में अटैच करेंगे। चलिए अब हम आपको पाइपिंग लगाकर दिखा दूँ। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद, पाइपिंग लगाने के बाद हमने इसके अंदर डोरी डाल दी है। अब डोरी डालने के बाद इसमें हम एक फॉर्म यूज़ करेंगे सेंटर पार्ट में, ये सेंटर पार्ट होगा इसका, और इसके तमाम साइड पर 1, 2, 3 साइड पे हम 4-4 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर देंगे। ये 4 इंच का मार्जिन हमने स्टिच कर दिया है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमारा बचेगा तकरीबन 2 इंच तक का, हम फोल्ड देंगे। यहाँ निशान लगाकर फॉर्म में हटा देती हूँ और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। इसमें हमें फॉर्म यूज़ करना है, और बाकी जो हिस्सा होगा 3 साइड जो है इसमें हम अपना पॉलिस्टर कॉटन यूज़ करेंगे। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये पॉलिस्टर कॉटन अब हमने इसके अंदर 3 साइड पे फिल कर दिए। ये थोड़ा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था। इस तरीके से ये पॉलिस्टर कॉटन इसके अंदर फिल कर देंगे। ये भी किसी भी वीकली बाज़ार जो होते हैं उस पर पिलोस वगैरह मिलेंगे, उसमें आपको आराम से रीज़नेबल प्राइस पे एक ब्लू मिल जाएगा, उसमें से आप पॉलिस्टर कॉटन निकाल सकते हैं। ये वॉशेबल भी होती है। ये 3 साइड पूरा कॉटन हमने फिल कर दिया है। अब हम सेंटर में इसके फॉर्म फिल करेंगे।
थ्री साइड कॉटन पॉलिस्टर भरने के बाद हमने बीच में फॉर्म एडजस्ट कर दिया है और इसको हमने हाथ की सुई से ही लॉक कर दिया है स्टिच करके। छोटे छोटे से स्टिच लगाइएगा और लॉक कर दीजिएगा क्योंकि ये मशीन से नहीं सिल पाएगा, ये बहुत मोटा सा हो जाएगा। अब इसकी डोरी हम खींचेंगे और इसको इस तरीके से इसका बेल्ट एडजस्ट कर देंगे। जितना भी आप करना चाहें बच्चे के मुताबिक उसी तरीके से कर सकते हैं। और इस पे ही नॉट लगा देंगे। इस नॉट को पीछे करने के बाद किसी भी तरह के कोई भी शेप का कोई भी चीज़ बना सकते हैं, हार्ट शेप भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक स्टार शेप बनाया है, ये लॉक पे इस तरीके से लगा देंगे तो ये बहुत खूबसूरत भी लगेगा और इसकी नॉट नहीं दिखेगी। ये इस तरीके से रीज़नेबल प्राइस में हमने कैरी नेस्ट घर में ही तैयार कर लिया है जो कि सिर्फ 200 में बना है। बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, इजीली आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कट प्राइस की शॉप से आप आराम से कपड़ा बाय कर सकते हैं, फॉर्म बाय कर सकते हैं, पॉलिस्टर कॉटन का एक प्लो बाय कर सकते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में भी बताती रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोबारा कोई एक अच्छी चीज़ दिखाएँगे जो रीज़नेबल प्राइस में घर में आराम से ईजिली तैयार हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।